बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाही करीम। इंटीग्रेट करना हमको एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेंट को ही सॉल्व कर लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को अंदर हम ले जाएंगे, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर का वन में इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहाँ पर इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर में वन अपान एक्स स्क्वायर का, तो फिर वन अपान एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में इंटू होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल होकर ओनली वन बचेगा। यानी हमें अब एक्स स्क्वायर का और ये वन बचा हुआ इसका ही इंटीग्रेट करना है। यानी हमारे पास दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करना होगा और यहाँ पर वन का अलग। यहाँ पर हमने इस स्टेप से इस स्टेप में आए हैं, तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लगाई है जिसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर एक आए हैं, और इसके बाद हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको मालूम है कि जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, उतने से ही यानी पावर ही अपान में आ जाती है। तो इसमें भी यही करना है, यानी टू पावर है तो टू में वन ऐड करेंगे, अपान में टू प्लस वन हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और कॉन्स्टेंट इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर दिया करते हैं। तो ये पावर थ्री हो गई, इसको हम वन अपान थ्री करके भी लिख सकते हैं। वन टू टू वन थ्री हो गया, वन अपान थ्री कर लो और एक्स की पावर यहाँ पर थ्री हो गई माइनस एक्स और प्लस का सी। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।